काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानियों ने की फायरिंग, भगदड़ मचने से 7 लोगों की मौत, कई जख्मी। काबुल एयरपोर्ट पर आज भी देश छोड़ने वालों की भारी भीड़, एयरपोर्ट की सुरक्षा अमेरिकी सैनिकों के पास, लेकिन बाहर तालिबान के लड़ाके मौजूद। मिशन काबुल में एक और कामयाबी, काबुल से 64 लोगों को लेकर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचा भारतीय वायुसेना का ग्लोबमास्टर विमान, इनमें 23 अफगान, सिख और हिंदू भी शामिल। काबुल से गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचे 168 यात्रियों में से 107 भारतीय हैं। ये तस्वीरें उसी विमान के अंदर की हैं जिससे लोगों को भारत लाया गया। काबुल से आए सिख और हिंदू शरणार्थियों के चेहरों पर दिखा तालिबानी जुल्म का दर्द, रो पड़े अफगानी सांसद नरेंद्र खालसा। अफगान सेनेटर अनारकली बोली, तालिबान ने अफगानिस्तान का बुरा हाल किया, शरण देने के लिए भारत का शुक्रिया। काबुल में फंसे 87 भारतीय और 2 नेपाली नागरिकों के दूसरे दल को दुशांबे के रास्ते दिल्ली लाया गया। इन यात्रियों को पहले भारतीय वायुसेना के हरक्यूलिस विमान से तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे पहुंचाया गया और फिर वहां से एयर इंडिया के विमान के जरिए भारत लाया गया। दोहा से करीब 300 भारतीय कतर एयरवेज, एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों से भी दिल्ली पहुंचे। इन लोगों को काबुल से निकालकर दोहा पहुंचाया गया था। काबुल पर तालिबान के कब्जे के एक हफ्ते के बाद भी बंद है सभी सरकारी और निजी दफ्तर, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। तालिबान ने पंजशीर के लोगों को आत्मसमर्पण का अल्टीमेटम दिया, पंजशीर घाटी की घेराबंदी की कोशिश में जुटे लड़ाके। तालिबानी विरोधी अहमद मसूद का गढ़ है पंजशीर, पंजशीर पर अब तक कब्जा नहीं कर पाया है तालिबान। काबुल से 125 किलोमीटर दूर मौजूद पंजशीर घाटी में भी अहमद मसूद की सेना ने तालिबान से लड़ने की तैयारी शुरू की। मिलिट्री परेड में तालिबान से लड़ने के लिए शपथ, अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह भी यहीं मौजूद हैं। अफगान न्यूज के मुताबिक गजनी प्रांत में महिलाओं के रेडियो स्टेशन में काम करने पर लगी रोक, तालिबान ने संगीत के प्रसारण पर भी प्रतिबंध लगाया। तालिबानी नेता मावलवी फरीद का आदेश, हेरात के विश्वविद्यालयों में लड़कियां और लड़कों की अलग अलग पढ़ाई होगी। अफगानिस्तान से आम नागरिकों के दर्द से बेपरवाह तालिबान, मजार शरीफ में तालिबान के लड़ाके बंदूक लेकर अम्यूजमेंट पार्क में मस्ती करते दिखे। तुर्की ने ईरान से लगती अपनी सीमा पर चौकसी बढ़ाई, अफगानिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को रोकने के लिए तैनात किए सेना के जवान। ब्रिटेन की संसद के बाहर तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने तालिबान को मान्यता नहीं देने की मांग की। यूरोपियन संघ का तालिबान को मान्यता देने से इनकार, संघ के अध्यक्ष ने कहा ईयू ने तालिबान को मान्यता नहीं दी है, उससे कोई राजनीतिक वार्ता नहीं होगी। चीन ने दुनिया को फिर डराने की कोशिश की, रेगिस्तान में मिसाइल के परीक्षण का वीडियो जारी किया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का आपत्तिजनक बयान, कहा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस करो, नहीं तो जैसी हालत अमेरिका की अफगानिस्तान में हुई वैसी ही कश्मीर में भारतीय सेना की होगी। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने महबूबा मुफ्ती को दी कड़ी चेतावनी, बोले वो किसी बहुत बड़ी गलतफहमी में है, भारत एक बहुत ताकतवर देश है और देश के पीएम नरेंद्र मोदी है, यहां कोई आतंकी संगठन साजिश करेगा तो उसे मटियामेट कर दिया जाएगा। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने लखनऊ में उनके घर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, शीश झुकाकर किया प्रणाम। पीएम मोदी ने कहा कल्याण सिंह ने अपने नाम को सार्थक किया, जीवन भर लोगों की भलाई के लिए काम करते रहे, देश ने एक सामर्थ्यवान नेता को खो दिया। कल्याण सिंह के घर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, श्रद्धांजलि देते वक्त भावुक हुए, यूपी में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान। सोमवार को अलीगढ़ के पैतृक गांव में होगा कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार। कल्याण सिंह 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या जाकर राम मंदिर बनाने की शपथ ली थी, राम मंदिर आंदोलन के बड़े नेताओं में किए जाते हैं शुमार। कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अलीगढ़ ले जाया गया, अलीगढ़ के मढ़ौली गांव में कल अंतिम संस्कार के लिए हो रही है तैयारियां।
बिहार में फिर सामने आई जेडीयू की गुटबाजी। मुजफ्फरपुर में उपेंद्र कुशवाहा के भावी मुख्यमंत्री बताने वाले पोस्टर लगे। पीएम से मुलाकात पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार बोले, मेरे अलावा 10 पार्टियों के एक एक नेता प्रतिनिधिमंडल में होंगे। अगर पूरे देश के लिए जाति आधारित जनगणना हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। बीजेपी के बूथ विजय अभियान के कार्यक्रम की रूपरेखा तय। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा से बूथ विजय अभियान की शुरुआत करेंगे। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का चुनाव आज। मैदान में 312 उम्मीदवार, 546 मतदान केंद्रों पर डाले जा रहे हैं वोट। चंडीगढ़ में कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में एक महिला से बदसलूकी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे थे प्रदर्शन। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।